नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति वयोवृद्ध नेताओं के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो युवा खून याद आता है। इस बार भी कांग्रेस को युवाओं की याद आई है। निकाय चुनाव के बाद युवाओं को विधानसभा चुनाव में झोंकने की तैयारी है। प्रदेश कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व युवाओं को घर घर भेजना चाहता है। 65,000 बूथ में से हर बूथ युवाओं को गोद लेने की योजना है और हर बूथ में 300 से 400 घर हैं। हर युवा नेता प्रतिदिन 20 घर जाएगा। इसे भारत जोड़ो अभियान का नाम दिया गया है। इसके पीछे मूल मकसद कांग्रेस का संदेश घर घर पहुंचाना है और इस संदेश के वाहक बनने वाले हैं कांग्रेस के युवा नेता। वे युवा नेता जो निकाय चुनाव में उपेक्षित महसूस कर रहे थे, उनमें से कुछ ने कहा भी था कि जब हमें पार्षद के योग्य भी नहीं समझा तो विधायकी का टिकट तो भूल ही जाएँ। अब इन युवाओं के सहारे 2023 की वैतरणी पार करने की योजना है। सवाल यही कि कांग्रेस को चुनाव के समय ही युवा क्यों याद आते हैं? क्या युवा केवल चुनावी प्रचार और दौड़ धूप तक सीमित है? कांग्रेस बूढ़े नेताओं का मोह क्यों नहीं छोड़ पा रही है? अटेंशन में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए खास रिपोर्ट। बीते रविवार को जब पीसीसी में युवा कांग्रेस की बैठक हुई तो नेताओं का गुस्सा फूट गया। युवा नेताओं ने युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया से कहा कि क्या हम पार्षद के भी योग्य नहीं है, ऐसे में विधायकी का टिकट तो भूल ही जाए। युवा नेता निकाय और पंचायत चुनाव में उपेक्षा से नाराज थे। पूरे प्रदेश में महापौर से लेकर अन्य महत्वपूर्ण टिकट वितरण में वयोवृद्ध नेताओं की चली। अधिकांश उम्मीदवार कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया की पसंद के थे। रविवार को बैठक में स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई, क्रांत भूरिया ने कह दिया कि मैंने युवा कांग्रेस का पक्ष पूरी तरह रखा था, लेकिन युवा कांग्रेस को टिकट नहीं मिला तो मैं यही कर सकता हूं कि इस्तीफा दे दूं। भूरिया के इस दर्द के बाद अब विधानसभा चुनाव में युवाओं को फिर से जिम्मेदारी सौंपने की बात कही जा रही है। सवाल वही है कि क्या युवा केवल चुनावी जिम्मेदारी उठाने तक सीमित है? उन्हें टिकट क्यों नहीं मिल रहा? कांग्रेस में अभी भी उम्रदराज नेता क्यों हावी है? युवा नेतृत्व कब आगे जाएगा? कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि युवा कांग्रेस के कार्यक्रम के तहत भारत जोड़ो अभियान चल रहा है। इसमें युवाओं को बड़े स्तर पर संपर्क बनाने को कहा गया है। इससे पार्टी की पहुंच बढ़ेगी और पार्टी को लाभ होगा। देखिए, सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारा जो सामने आ रहा है, 3,000 किलोमीटर से ज्यादा की जो पदयात्रा है, उस पदयात्रा से हमारा कार्यकर्ता जो है पूरे देश की धारा से जुड़ेगा कि कई राज्यों से होकर ये पदयात्रा गुजरेगी। अलग अलग राज्यों के कल्चर को हम जानेंगे, अलग अलग राज्यों की समस्याओं को जानेंगे, उनके साथ उनकी विविधता को जानेंगे और उसको लेकर एक कैसा समग्र भारत बन सकता है, उस भारत के दृष्टिकोण को जो कि कांग्रेस का मूल दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को हम वक्त पैदा करेंगे और जो हमारी नौजवान टीम है उसके अंदर उसको इंकल्केट करेंगे। भाजपा ने कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान पर तंज कसा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा का कहना है कि कांग्रेस में अभी तो कांग्रेस तोड़ो अभियान चल रहा है, कमलनाथ को अपने लोगों को रोकने की जरूरत है। देखिए, अभी तो कांग्रेस के अंदर कांग्रेस छोड़ो छोड़ो अभियान चल रहा है। जिस तरीके से कमलनाथ जी ने ही अपने प्रवक्ताओं को धमका दिया, प्रवक्ता फेल हो गए अपने लिटमस टेस्ट में, और जो कांग्रेस पार्टी का मूल कार्यकर्ता है जो कांग्रेस पार्टी छोड़ छोड़ कर जा रहा है, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कमलनाथ जी को इस पर फोकस करना चाहिए। पहले पार्टी जोड़कर रखेंगे तो आगे किसी कैंपेन में सक्षम हो पाएंगे। कांग्रेस पर युवाओं की उपेक्षा का आरोप लगता रहा है। कहा जाता है कि कांग्रेस युवाओं का उपयोग चुनाव जीतने के लिए करती है। जब टिकट की बारी आती है तो युवाओं को पीछे धकेल दिया जाता है। मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस ने इस प्रवृत्ति के प्रति अपनी नाराजगी प्रकट की है। अब एक बार फिर कांग्रेस को युवाओं की याद आई है, लेकिन सवाल वही कि क्या युवा केवल चुनाव प्रचार तक सीमित रहेंगे? उनसे चुनावी कार्य ही करवाते जाएंगे या उन्हें टिकट भी मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है गुप्ता जी आपका अनादि टीवी पर। नमस्कार। सबसे पहले आप ही के पास, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बीता जब कमलनाथ जी ने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, घर घर जाओ अभियान,
तीन घर उनको जाना था देवास में पैदल पैदल, चिन्हित घर किए थे पहले, लेकिन वहाँ भी वो गाड़ी से पहुँचे और निकल आए। अब नगरीय निकाय के नतीजे आ चुके हैं, अध्यक्षों के चुनाव चल रहे हैं जनपद के पंचायतों के, और इस बीच फिर से युवाओं की याद आई है और टारगेट दिया गया है कि हर एक युवा को 20-20 घर जाना है, कितने किलोमीटर पैदल यात्रा करनी, क्या क्या उसे करना है। तो इस पूरी कांग्रेस में जब नेतृत्व की बात आती है तो बुजुर्ग अपना स्थान छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन जब फील्ड में काम करने की बात आती है तो वो युवाओं को याद करते हैं, लेकिन जब वो खुद अपना उदाहरण नहीं पेश कर पा रहे हैं तो ऐसे युवाओं से क्या उम्मीद की जाए। मनोज जी, कांग्रेस में बहुत सारे लोग युवा से प्रौढ़ हो गए और जो प्रौढ़ थे वो बुजुर्ग हो गए, उनको कभी टिकट नहीं मिली या नेतृत्व नहीं मिला। जिस नेतृत्व की बात करते हैं, हम देखा ना कि डॉक्टर गोविंद सिंह को जो नेतृत्व मिला, प्रतिपक्ष का नेता बनाया, उनको भी कई बार रूठने के बाद मनाया, कई तरह की जो है धमकियों के बाद उनको पद मिला। जो कांग्रेस पार्टी बेसिकली उसकी जो समस्या है कि राहुल गांधी युवा के तौर पर जो है कांग्रेस की कमान संभालने के लिए आए, तो उसके पहले जो भी वो जो है सांसद बन गए थे लेकिन उन्होंने कमान नहीं संभाली, लेकिन वो अपनी पार्टी में युवाओं को जगह नहीं दे पाए। वो खुद ही जब एक ऐसी पीढ़ी से जूझते रहे जो पिछले 5 दशक से कांग्रेस पार्टी पर कुंडली जमाए हुए बैठी हुई, तो एक प्रोसेस होता है यदि जो है पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन होती है। यदि हमारे पिता ने हमें नेतृत्व दिया, उनके हमारे दादाजी ने हमारे पिता को दिया, तो एक जनरेशन के साथ यदि शिफ्टिंग नहीं होती तो फिर एक जो बीच में गैप होता है उसको भर पाना बहुत मुश्किल होता है। अब ये 2 और 3 पीढ़ी का गैप कांग्रेस पार्टी में हो गया है। ये गैप अब इतना ज्यादा हो गया कि जो जिसे कह सकते हैं ना कि बेसिकली जो वयोवृद्ध होना चाहिए, अब तो ओल्ड भी नहीं है, बेसिकली वयोवृद्ध हो गए हैं अभी लोग, और जो युवा पीढ़ी है पिताजी वाली पीढ़ी खत्म है पीढ़ी, तो अब इनके भी संवाद कैसे स्थापित हो, भाव कैसे समझे, जो भाव एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी की के भाव समझ सकती है, लेकिन 3-4 पीढ़ियों का जब अंतर हो भाव नहीं समझ सकते और आवश्यकता नहीं समझ सकते। तो कांग्रेस को तो सबसे पहले जो पीढ़ी प्रोण होने जा रही है, जिसमें जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह जैसे या उमंग सिंगार या कमलेश्वर पटेल जैसे जो नेता हैं, पहले तो इन्हीं की पूछ परख तो हो जाए कि इन्हीं को ठीक से अभी नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला, तो बाकी जो पार्षद की टिकट चाह रहे हैं और युवक कांग्रेस में बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है वो तो अभी बहुत दूर हैं, वो अभी जो है बहुत घूमे फिरे, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है उसकी उसको हिसाब से वो कार्यक्रमों में जाए। लेकिन ये सही है कि उन्हें अभी टिकट की उम्मीद नहीं करना चाहिए, टिकट की उम्मीद के लिए भी उन्हें घर घर जाना पड़ेगा और अभी साल दर साल इंतजार भी करना पड़ेगा। लेकिन सवाल वही है कि वो घर घर जाएंगे भी तो मॉनिटरिंग के लिए भी एक मैकेनिज्म चाहिए, क्योंकि जो काम प्रवक्ता बैठकर ट्विटर सोशल मीडिया पे कर सकते थे, प्रेस नोट के जरिए कर सकते थे, उनकी भी जब कमलनाथ रैंकिंग कर रहे हैं तो जो उनके मुखिया हैं वो भी पासिंग मार्क्स नहीं ला रहे हैं, तो जो काम बैठ के कर सकते थे कांग्रेसी बेहतर उसके प्रवक्ता, वो काम भी नहीं कर पा रहे हैं, तो युवाओं से कैसे उम्मीद करेंगे कि वो फिजिकली इतनी सारी एक्टिविटी करेंगे, फिर उसका खर्चा कौन उठाएगा, उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा और उनके फेवर में रिपोर्ट बनाकर ऊपर तक कौन भेजेगा कि इस युवा ने बहुत अच्छा काम किया है, ये इतने घर तक गया है। देखिए मनोज जी, जो मॉनिटरिंग की बात है या मीडिया की बात है, अभी विडंबना क्या है, दोनों देश की जो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं ये प्रवक्ता आधारित राजनीति कर रही है। अब देखिए कि आप जो है पैनल बॉक्स में बैठ के डिस्कशन करना या बयान जारी करना या सोशल मीडिया पे ट्वीट करना, ये जो है यही राजनीति बची हुई है। आज की तारीख में आप देखिए कि जो नीति निर्धारित करते हैं जो राजनेता, उनकी भूमिका हमें कहाँ नजर आती है, वो आपको ट्विटर या सोशल मीडिया पे नहीं दिखते। आप वो अपना पार्टी के जो यदि पार्टी बुलाएगी, जैसे भारतीय जनता पार्टी में ही ले लीजिए, यदि संसदीय दल की बैठक होगी, अध्यक्ष बुलाएंगे तो आपको बाकी एक्टिव दिखेंगे। जैसे पुराने दौर का नहीं है, अटल अडवाणी जी वाली बीजेपी नहीं है या ये इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस पार्टी नहीं है। हाँ, दोनों का जो फर्क है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिंदा इसलिए थी कि वहां सबकी सुनी जाती थी,
लेकिन अभी ये जो दौर है टेक्नोलॉजी के साथ, ऐसा लगता है कि राजनीतिक दलों में यदि कोई नेता है तो वो मीडिया के जो लोग जो प्रवक्तागण हैं केवल वही हैं। बाकी यदि आप पदाधिकारियों के नाम पूछोगे जिनकी मॉनिटरिंग और ये सब की हम बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो दोनों राजनीतिक दलों के बहुत सारे पदाधिकारियों की तो उनके कार्यकर्ताओं को नाम नहीं मालूम होंगे और पद नहीं मालूम होंगे। तो ब्रजेश जी, जो दिनेश जी ने कहा, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि ट्विटर या सोशल मीडिया में प्रवक्ताओं की लंबी चौड़ी फौज है दोनों पार्टियों के पास है, लेकिन चूंकि अभी कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं वो, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इसकी कोई तैयारी नहीं। और दूसरी एक बात है, वो युवा है, वो देख रहा है कि G23 वालों का कुछ नहीं हो पा रहा, वो देख रहा है कि राहुल गांधी की क्या स्थिति कांग्रेस के अंदर, तो वो तो उसका अपना भविष्य खुद को पता है कि क्या होने वाला है उसका आगे। दूसरा, अगर जो कोई मैकेनिज्म है नहीं, आपने मेहनत भी कर ली, टिकट की बात आए तो हमने देखा इस बार भी जब 16 नगरीय निकाय में से 2 में टिकट मिले युवाओं को, चाहे मयंक जाट की बात कर लें हम रतलाम में, या श्रेया खंडेलवाल को कटनी में जहां वो तीसरे नंबर पर रही, तो इन सब के बीच पार्षदों के टिकट मिले नहीं। पिछले दिनों विक्रांत भूरिया बैठक बुलाते हैं तो पूरी भड़ास युवा निकालते हैं, तो ऐसे में नए सिरे से उनको मैदान में भेजने के लिए एक ऐसा प्रेरक नेतृत्व चाहिए जो उनको इसके लिए तैयार करे और उनको ये आश्वासन दे सके। और ये केवल कमलनाथ ही दे सकते हैं क्योंकि बाकियों के हाथ में तो अभी कुछ है नहीं, या दिग्विजय सिंह। देखिए, आपने एक जो बात कही ना, प्रेरक नेतृत्व चाहिए, तो नेतृत्व तो उनका वही रहेगा अभी। और आप देखिए 32 प्रवक्ता हैं और कुछ उपाध्यक्ष भी हैं मीडिया विभाग में कांग्रेस के।